हाल दोस्तों, मेरा नाम अमृतपाल। तो आज हम रिव्यू करेंगे पल्सर RS 200 का। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम रिव्यू करेंगे पल्सर RS 200 का। ये BS4 मॉडल है और BS6 लॉन्च हो चुका है, तो ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। कैटालिटिक कन्वर्टर का फर्क है, तो इंजन सब कुछ सेम है। तो आज हम रिव्यू करेंगे इस बाइक का, आपको अच्छे पॉइंट्स और बुरे पॉइंट्स सब बताऊंगा मैं। ये एक तरह का ओनरशिप रिव्यू है, क्योंकि ये बाइक मेरे दोस्त पंकज की है, उसका यूट्यूब चैनल है लाइफ इज शॉर्ट के नाम से। तो आज हम पूरा ओनरशिप रिव्यू होगा एक तरह से, मैं आपको पूरा इसके बारे में अच्छे पॉइंट और बुरे पॉइंट बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इसके इंस्टेंट रिव्यू की तरफ से, ठीक है। तो पहले इसके अंदर ये बाइक है 200cc की, 200cc की बाइक है, 6-speed गियर बॉक्स के साथ। इसके अंदर लिक्विड कूलिंग है और FI है, फ्यूल इंजेक्शन है, तो मतलब फुली इलेक्ट्रॉनिक पे बाइक वर्क करती है। इसके अंदर 24 या 25 BHP की पावर है, शायद इसके बीच में ही पावर है बिल्कुल, और 18 का टॉर्क है इसके अंदर। और टायर इसके फ्रंट 100 का टायर है, पिछला 130 का टायर है इसके अंदर, 130mm का टायर है। और फ्रंट इसमें ABS है, बट जो BS6 मॉडल है उसके अंदर ड्यूल ABS है। तो ये हो गया इसका इंस्टेंट रिव्यू। अब हम बात करते हैं इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की। तो पहले हम बात करते हैं इसकी लुक्स की। तो फुली फेड बाइक है ये, और अगर आप इस बाइक को रोड पे चला रहे हो और कुछ लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, वो इसे सुपर बाइक ही समझेंगे, क्योंकि फुली फेयरिंग के साथ ये बाइक आती है। और आपको एक बात बता दूं, ये बाइक इंटरनेशनल मार्केट में कावासाकी राउजर के नाम से बिक रही है, बाहर इसका नाम कावासाकी राउजर है। एक तरह से आप कह सकते हो कि एक तरह की कावासाकी की ही बाइक है। उसके लुक्स बिल्कुल कावासाकी से मिलते हैं और फुली फेड बाइक है। बाइक का नाम RS 200 है, जो कि रेसिंग स्पोर्ट्स कहलाई जाती है, बट ये बाइक पे आप ऑफ रोडिंग, रेसिंग, टूरिंग, क्रूजिंग सब कुछ कर सकते हो। तो बाइक देखने में बिल्कुल एग्रेसिव है, बट इसके अंदर जो बैठने का पोस्चर है बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं है। इसकी सीट कुशनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। तो कम्यूटिंग के लिए बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये है इस बाइक्स के लुक्स। इसमें मिलते हैं फ्रंट में अपने प्रोजेक्टर लैंप्स, और जो इसके ऊपर DRLs लगे ये हमने आफ्टर मार्केट लगवाए हैं। बाकी इसके अंदर अपना लैंप्स मिलते हैं प्रोजेक्टर वाले। इसमें डबल डिस्क है और फ्रंट में ABS है, और मिरर इसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब आप 220 से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो नेक्स्ट है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल। ये देखो सेमी डिजिटल इसका कंसोल है, और उसकी RPM की एनालॉग मीटर है, और यहाँ पर डिजिटल मीटर है इसका, ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर का, और यहाँ पर इंडिकेटर्स दे रखे हैं। कुछ लोगों को ये बहुत पसंद आता है, कुछ लोगों को ये आउटडेटेड लगता है, तो ये आपके ऊपर आपको पसंद आता कि नहीं आता। तो मुझे तो फ्रैंकली काफ़ी पसंद है ये वाला मीटर। तो अब बात करते हैं बाइक की माइलेज के बारे में। तो ये बाइक मेरा दोस्त पंकज चलाता है, तो इसकी माइलेज उसे 40 की मिलती है सिटी के अंदर। बाकी आपके ऊपर आप कैसे चलाते हो उसे, इसके अंदर 40 की माइलेज इसलिए मिलती है क्योंकि इसके अंदर FI है। FI यूनिट काफ़ी अच्छे से पेट्रोल और एयर का मिक्सचर करता है, तो फिर माइलेज अच्छी मिलेगी। तो पंकज के हिसाब से इसे 40 की माइलेज मिल रही है, और अगर हाईवे पे चलाओगे तो 45 तक जा सकती है, अगर आप एक इकोनॉमी स्पीड पे चलाओ 1 RPM के ऊपर टॉप गियर में। इसका मेंटेनेंस कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है, बाइक काफ़ी सस्ते में सर्विस हो जाती है अगर हम कंपेयर करें बाकी बाइक्स के मुकाबले, या वहाँ KTM इंटरनेशनल ब्रांड्स के मुकाबले काफ़ी कम में इसकी सर्विस हो जाती है। इसके पार्ट्स काफ़ी इजीली अवेलेबल है, इसके पार्ट्स आपको सेकंड हैंड में मिल जाएंगे, डुप्लीकेट में मिल जाएंगे, ओरिजिनल पार्ट्स इसके काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं क्योंकि इंडियन ब्रांड है, इंडिया में ही इसके पार्ट्स बनते हैं। तो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है, और जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट है इस बाइक के हिसाब से। नेक्स्ट है बाइक का कम्फर्ट। कम्फर्टेबल बहुत है बाइक, इस पर लॉन्ग टूर्स हो सकते हैं, रेस करते वक्त पेन भी नहीं होती बाइक के ऊपर क्योंकि पोस्टर एकदम सीधा रहता है बाइक का। टूरिंग, क्रूजिंग, कम्यूटिंग बाइक के ऊपर काफ़ी अच्छी होती है, तो देखने में बाइक बहुत अग्रेसिव है, बट अग्रेसिव पोस्टर नहीं है इसके ऊपर, तो इसका कंफर्ट लेवल काफ़ी अच्छा है। अगला पॉइंट है इसका एग्जॉस्ट नोट, काफ़ी अच्छी साउंड है, काफ़ी प्यारी सी बेस है इसके अंदर। तो आपको सुनाता हूँ इसकी साउंड, शायद कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, कुछ लोगों को ना पसंद आए, ये आपके ऊपर है, बट पर्सनली कह रहा हूँ
रियल लाइफ में सुन के काफी अच्छी बाइक की साउंड है। बाइक की साउंड सुनने से पहले आप एयरफोन्स यूज करें ताकि आपको पता चले कि कैसी साउंड है बाइक के अंदर। तो आपको सुना था उसकी साउंड तो काफी अच्छी बेस है, काफी मीठी सी बेस है। मेरे पास पल्सर 180 है तो उसके अंदर इंजन की साउंड ज्यादा है, एग्जॉस्ट की कम है, बट इसमें एग्जॉस्ट की साउंड बहुत प्यारी साउंड है। और जब ये बाइक चल रही होती है थर्ड फोर्थ गियर में तो काफी अच्छी साउंड आती है। तो बाइक है, अच्छाइयां हैं तो बुराइयां भी जरूर होंगी, इसके अंदर मशीन है ना। तो बात करते हैं इस बाइक के कॉन्स के बारे में, इसकी बुराइयों के बारे में, क्या बाइक के अंदर बुराई है। तो उसे ही बताऊं तो प्राइस सेगमेंट के सबसे बाइक बहुत अच्छी है, हमें शिकायत नहीं कर सकते कि भाई बाइक अच्छी नहीं मिली रेट के हिसाब से। बट पहली प्रॉब्लम है इसकी आफ्टर सेल सर्विस। कंपनी आपको बाइक बेच तो देगी, उसके बाद सर्विस अच्छी मिले ना मिले कोई गारंटी नहीं है। आपकी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको वहां पर सर्विस अच्छी मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो बजाज की बात करें तो कई जगह काफ़ी अच्छी सर्विस मिलती है इनकी, और कई जगह काफ़ी बुरी सर्विस मिलती है। तो इसका पहला प्रॉब्लम है इसकी आफ्टर सेल सर्विस, कि बाइक की सर्विस कंपनी कैसी देती है। तो एवरेज है, बहुत अच्छी मिलेगी या बहुत बुरी मिलेगी। तो अगला पॉइंट है इसका फिट एंड फिनिश। बजाज की बाइक्स बहुत ज़्यादा सेल होती है सबको पता है, पर सेल्स के मामले में सेल्स तो ये कर रही है जल्दी जल्दी चीज़ें बना के बेच रही है, बट ये क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे रही। क्वालिटी तो बाइक की अच्छी है बट जो फिट एंड फिनिश है, जो फिटिंग है, वो काफ़ी जल्दी में करके यूनिट्स को बेच रही है। तो इस बाइक में क्या है, देखो थोड़ा सा फेयरिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप आ गया फेयरिंग के अंदर और वहाँ पर ठीक है, और ये गैप अपने आप आया है। बाइक हल्की फुल्की तो गिरी है, हर एक बाइक गिरती है, बट ये वाली बाइक सर्विस सेंटर भी जा चुकी है, वहाँ पर इसकी कंप्लेंट भी दर्ज हो रखी है कि भाई फिटिंग ठीक करनी है। तो अब तक कंपनी ठीक नहीं कर पा रही इसे, तो पता नहीं चल रहा कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ कह नहीं सकते। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है नो डाउट, बट फिट एंड फिनिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जल्दी जल्दी में बाइक बना के बेची हुई बाइक है ऐसे लगता है। और मेरे पास भी पल्सर 180 है तो उसके अंदर भी काफ़ी बड़ा गैप पड़ रखा है, तो उसका भी ऐसे चल रहा है पर मैं चला रहा हूँ ठीक है। तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है बट फिट एंड फिनिश में कॉम्प्रोमाइज काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। वैसे तो बाइक में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है ठीक है, कॉन्स बहुत कम है, बट हमें ओनर से एक प्रॉब्लम पता चली है। ये प्रॉब्लम ओनर द्वारा बताई गई है तो बिल्कुल सच होगी क्योंकि ओनर ने बाइक चलाई है। तो ओनर ने कहा है कि इसकी बाइक के अंदर ग्रिप बिल्कुल नहीं है टायरों के अंदर ठीक है। इसके अंदर MRF के जैपर टायर्स है आगे और पीछे, तो इसमें गारे वगैरह पे या थोड़ी हल्की फुल्की बजरी पे ग्रिप नहीं मिलती है, तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप ये वाली बाइक परचेज करते हो और आपका मूड है कि भाई आपको थोड़ा अच्छा टायर चाहिए, तो आप परेली या मिचलिन या कोई ऑफ रोडिंग टायर के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम ओनर को लगी है। तो गाइज ये थे बाइक के गुड्स और बैड पॉइंट्स। तो पर्सनली बाइक मुझे बहुत पसंद है, शायद मेरी नेक्स्ट बाइक ये वाली हो, क्या पता, मतलब बाइक ड्रीम है पूरी की पूरी मेरे लिए, तो काफ़ी अच्छी लुक है। तो वीडियो कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताया। अगर आपका कोई भी सवाल है इस बाइक के बारे में आप मुझसे पूछ सकते हो। ये बाइक मेरे फ्रेंड पंकज की है, पंकज का यूट्यूब चैनल लाइफ इज शॉर्ट, तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, भाई मोटो व्लॉग्स बनाता है। अगर आपको कोई भी सवाल है बाइक के बारे में, लेने के बारे में, तो पंकज को आप मैसेज कर सकते हो, उसको कमेंट कर सकते हो, DM कर सकते हो। तो वीडियो चलो तो जरूर से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।